नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लालचंद्र सिंह। कार्यक्रम के इस अंक में हम खासतौर पर बात करेंगे केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देश में गरीबी से जूझ रही ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए NRLM योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना आज गांव की गरीब महिलाओं को संगठित कर गरीबी से उबारने का बड़ा हथियार साबित हो रही है। साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। जी हाँ, नया दौर फिल्म के इस गाने को साकार करती हैं स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं। स्वयं सहायता समूह की ये वो महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी होकर आज न केवल समाज में इज्जत की जिंदगी जी रही हैं, बल्कि स्वावलंबी बनकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। इस प्रोग्राम की एक खास बात ये है, ये प्रोग्राम महिलाएं खुद चलाती हैं। इस प्रोग्राम का संचालन देखरेख महिलाएं खुद करती हैं और इन महिलाओं का मार्गदर्शन भी वही महिलाएं करती हैं जो महिलाएं इस प्रोग्राम के जरिए गरीबी से ऊपर आई हैं और अब इन महिलाओं को समूह में जुड़ने का कार्य कर रही हैं। ऐसी महिलाओं का मैं अभिनंदन करता हूं और ये सब महिलाएं हमारी प्रशंसा व तारीफ के योग्य हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रभावी संस्थागत आधार तैयार करना है, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से आजीविका में सतत विकास के जरिए अपने परिवार की आय को बढ़ा सके और बेहतर वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर सके। ये प्रोग्राम से महिलाओं को आर्थिक लाभ तो मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस प्रोग्राम का ये है कि महिलाओं का मान सम्मान अपने परिवार में, समाज में बढ़ता है, उनका कद ऊंचा होता है और उनको आगे आने का मौका मिलता है। दूसरी खास बात इस प्रोग्राम की ये है कि इस प्रोग्राम के बाद महिलाओं को इतना समय मिलता है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने लगती हैं। NRLM को सफल बनाने के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में चरणबद्ध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योजना के प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाने के लिए मिशन काम कर रहा है। पिछले 2-3 सालों में ये प्रोग्राम और राज्यों में भी गति पकड़ रहा है। मैंने खुद इन प्रांतों में जाकर के इस प्रोग्राम को देखा है। महिलाओं में बहुत जोश, उत्साह और उम्मीद है। ये प्रोग्राम एक आंदोलन के रूप में उभर के आ रहा है और मेरा ये मानना है कि इस प्रोग्राम से आगे आने वाले सालों में गांव से गरीबी अवश्य दूर होगी। मिशन की कार्य प्रणाली और काम करने का तरीका ऐसा है जिसमें महिलाएं खुद समूह में अपने निर्णय लेकर अपने भविष्य का एजेंडा तैयार करती हैं। एक समूह में सबसे पहले 10-20 गरीब परिवारों की महिलाएं जुड़ती हैं, फिर 15-20 समूहों का एक ग्राम संगठन बनता है। इन समूहों की हर सप्ताह मीटिंग होती है जिसको चलाने के लिए बाकायदा नियम कायदे होते हैं। नियमों के तहत प्रार्थना, हाजिरी परिचय, बचत पर चर्चा, पैसे के लेन देन
और अन्य मुद्दों पर समूह में बातचीत कर समाधान खोजती है। जब महिलाएं संगठित हो जाते हैं और उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है तो उनमें ये जो उनकी शक्ति है उसको उभारने का एक उपाय है। तो इसीलिए इसका जो फाउंडेशन है ये महिला स्वयं सहायक समूह है। समूह की बैठक में हुई चर्चा और हर लेन देन का लेखा जोखा बुक राइटर लिखता है ताकि पिछली बैठक में क्या हुआ और अगली बैठक में क्या होना है इसकी पूरी जानकारी के साथ साथ वित्तीय लेन देन की भी पूरी खबर समूह को रह सके। इन इंस्टीट्यूशंस में जो उनके कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या ग्रुप के मीटिंग्स में ग्रुप को सही तरह से चलाने का एडवाइस देते हैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट और फेडरेशन के जो कार्यकर्ता हैं, ये सब ये महिला समूह के सदस्य हैं। समूह में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्णय, भागीदारी, रिकॉर्ड, कार्यवाही, ऑडिट, प्रगति रिपोर्ट, नेतृत्व और समीक्षा बैठक जैसे रूटीन कामों को जहां प्राथमिकता दी जाती है वहीं नियमित रूप से बैठक, बचत, आंतरिक लेन देन, उधार वापसी और सही हिसाब किताब जैसे पंच सूत्रों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। समूह को देखभाल करने के लिए जहाँ समूह सेविका या जो फैसिलिटेटर्स हैं वो उनको 10-10, 15-15 ग्रुप्स को देखते हैं, उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनकी फैसिलिटेशन करते हैं हर मीटिंग में जा करके। डेडिकेटेड हर ग्रुप का एक बुक कीपर्स है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता है। तो ये सभी रिसोर्सेज जो हैं, ये सभी साधन कम्युनिटी से, उसी समुदाय से निकल करके आते हैं। तो वो जब ऐसा काम करते हैं तो खुद सशक्त होते हैं और अपने समूह को सशक्त करते हैं। एनआरएलएम कार्यक्रम बीते कई सालों से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार और केरल जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। देश के अन्य राज्यों में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन राज्यों में काम कर रहे समूहों की महिलाएं यहां आकर गरीब महिलाओं को संगठित करने, समूह से जोड़ने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। इन महिलाओं को सीआरपी कहते हैं। जो गरीब व्यक्ति खुद जीत पाया है किसी अंश पे तो उनको रिकग्नाइज करके उन्हीं से दूसरे जिलों में, दूसरे राष्ट्रों में उन्हीं को ट्रेनर्स बनाया हमने। तो इससे हमने देखा है नेशनल इंटीग्रेशन तो एक वैल्यू है लेकिन जितना इनमें जो कॉन्फिडेंस और कैपेसिटी बढ़ रही है वो तो बिल्कुल इनवैल्यूबल है। एनआरएलएम कार्यक्रम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पायदान हैं जिनके द्वारा कार्यक्रम अपने सफलतम सोपान की ओर बढ़ रहा है। गांव की गरीब महिलाएं संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में स्वयं एक नई पहचान बना रही हैं। जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनका अपना परिवार जो है वो समझता नहीं है। तो गरीब परिवार की महिला पे सबसे ज़्यादा बोझ उस गरीबी का पड़ता है। और तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके, आजीविका मिशन के साथ जुड़ करके उस गरीब महिला की जो है एक पहचान बनती है, वो सशक्त होती है और एक माध्यम बनती है अपने परिवार की विकास के लिए, हर सदस्य के विकास के लिए वो एक माध्यम है। तो उस वो जो धुरी है वो वास्तव में वो पहचान उसकी बनाती है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है बड़ा हथियार गरीबी से उभरने में। अभी वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आज देश की गरीब ग्रामीण महिलाएं
न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर उन्होंने समाज में अपनी खास पहचान भी बनाई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की धारणा है कि समूह के माध्यम से इन महिलाओं के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गरीबों में भी गरीबी से बाहर आने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है। अगर इस इच्छा को सुदृढ़ करते हुए उनकी क्षमता विकसित की जाए, NRLM की सोच की वजह से आज महिलाएं सामाजिक रूप से जागरूक बनने के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने में स्वयं भागीदारी निभा रही हैं। संगठन की शक्ति ने बनाया महिलाओं को जागरूक। ग्रामीण भारत की उभरती तस्वीर को पेश करती है महिलाएं आज समूह में बैठकर न केवल ग्राम विकास का एजेंडा तय कर रही है, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर आम सहमति से भविष्य की रणनीति भी बना रही है। महिला का नाम लक्ष्मी, ब्लॉक ओरोकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी। गरीबी के चलते कभी बाहर नहीं निकली, 10-12 साल पहले समूह से जुड़ी तो घर की स्थिति बदली। नाम रामेश्वरी, ब्लॉक ओरोकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी। पद मजदूरी में मिलने वाले पैसे शराब में उड़ा देते थे। 10-12 साल पहले मायके जाकर समूह से जुड़ी, आर्थिक मजबूती हासिल कर बेटी की शादी की, आज अपना घर और अपना रोजगार का साधन है। नाम कुंती, सदस्य लक्ष्मी ग्रुप, गांव राठीवास, मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। समूह से जुड़ी तो फायदे समझ में आए, गांव में स्कूल में चोरी हो गई, सरपंच ने ध्यान नहीं दिया तो खुद ही थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई, आज गांव की सम्मानित महिला है। नाम किशनवती, समूह का नाम दुर्गा समूह, प्रधान जागृत ग्राम संगठन, गाँव राठीवास, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। पहले कोई जानता नहीं था, पैसे लेने होते तो साहूकार मनमर्जी का ब्याज लगाता था, समूह से जुड़ी तो जान पहचान हुई, अब समूह में लेन देन कर एक दूसरे की मदद करती है। नाम रेखा रानी, गांव राठीवास, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। आर्थिक तंगी से जूझ रही गांव की एक गरीब महिला की दो बेटियों की शादी के लिए समूह ने दी मदद, दो मिक्सी, प्रेस और अन्य जरूरी सामान व रुपए देकर शादी करवाई। नाम रसीदन, गाँव कांगरका, ब्लॉक तावड़ू, समूह मदीना स्वयं सहायता समूह, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। परेशानी में पहले छोटी सी मदद के लिए भी कोई तैयार नहीं होता था, समूह से जुड़ने के बाद आपस में हुआ लेन देन, सुख दुख की बातों के साथ सरकारी योजनाओं का फायदा। नाम फजरी, गांव नूह, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। पहले घर से बाहर निकलने में थी पाबंदी, समूह से जुड़कर दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए निकली, आज घर परिवार और समाज में बढ़ा है सम्मान। नाम प्रवीण लता, समूह का नाम जय मां दुर्गा, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। पुलिस में कार्यरत पद की नौकरी गई तो ससुराल का साथ छूटा, तीन बच्चों की परवरिश के लिए मायके आकर किराए के घर में रहकर की मजदूरी, समूह से जुड़कर CRP बनी, आज अपने घर में रहकर बच्चों को पाल रही है। नाम ममता, समूह अंबे महिला स्वयं सहायता समूह, समूह का नाम महिला जागृति, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने बेदखल किया, दो बच्चों को पालने के लिए मायके आई, एक बेटा दुर्घटना में खत्म हुआ, बिगड़े हालातों में समूह से जुड़ी, आज दूसरे बेटे को पढ़ाने के साथ खुद कमा रही हैं, समाज में अपना नाम मिला है तो इज्जत भी बढ़ी है। नाम पूजा, गाँव सिवाड़ा, समूह का नाम जय माता दी, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। माली हालत में पति ने मजदूरी के पैसे शराब में उड़ाए, आर्थिक बदहाली में समूह से जुड़ी, समूह की महिलाओं ने पति को समझाया तो पति की लत छूटी, आज दोनों की खुशहाल जिंदगी है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अनुभव से पता चला है कि NRLM के जरिए सशक्त व संस्थागत मंच मिलने से हाशिए की जिंदगी जी रही देश की निर्धन महिलाओं को अपने अधिकार एवं हक लेने में काफी सहूलियतें मिली हैं। अभावों की जिंदगी में आर्थिक विषमता का दंश झेल चुकी ये महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर न केवल अन्य महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही है, बल्कि अपना पराया का भेद भुलाकर सामाजिक समरसता पैदा करने का पैगाम भी दे रही है।